नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूकेन में। दोस्तों, यदि आप रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी की, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज़। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के पूछते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो जैसे एनटीपीसी जो है अपना लगभग जून से स्टार्ट होने वाली एग्ज़ाम उसकी, तो अपन दिसंबर से लेकर मई तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे, और 2018 के जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको भी कवर कर लेंगे, कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं। तो मैंने जो करंट अफेयर्स है उनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उनको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अपन उनको अलग अलग टाइप्स में पढ़ेंगे ताकि उनको अपने को याद रखने में आसानी हो सके। जैसे कि जो रेलवे से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको अलग से अपन वीडियो में कवर कर लेंगे, और रैंकिंग एंड इंडेक्स, मतलब जो इंडिया क्या क्या रैंकिंग है अलग इंडेक्स में, उनको अलग से देख लेंगे। जो नए अपॉइंट्समेंट हुए हैं जैसे सी जे आई कौन बना है वगैरह, उनको अलग से वीडियो में देख लेंगे। जो अवार्ड्स हुए अभी, पद्म अवार्ड्स हो गया, भारत रत्न अवार्ड्स हो गया, उनको अलग से देख लेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी ओलंपिक हुए, एशियन गेम्स है हुए, उनको देख लेंगे अलग से। और जो इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे पूछ लेगा कि 24 जनवरी को क्या होता है, तो ऐसे वीडियो इसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। जो डिफेंस रिलेटेड है उनको अलग से देख लेंगे। जो नई बुक्स रिलीज हुई है उनके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, और स्कीम जो नई लॉन्च हुई है उसको अलग से टाइप में देख लेंगे। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर उनको अलग से देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो जो फैल्कन हेवी जो है, ये रॉकेट है, ये लॉन्च किया है किस स्पेस एजेंसी ने? तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों स्पेसएक्स, ये एक अमेरिका बेस्ड प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी है, और इसके फाउंडर जो है वो है एलन मस्क। और अभी अभी इंडिया ने एक एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, और इसको मिशन को लेट किया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं बहुत बार, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। और इसरो ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, और इसका एक और नाम है युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। और इसमें जो 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे अभी पास हुए हैं, मतलब जो 10th में गए हैं अभी, वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसरो के चेयरमैन जो है वो के सिवन, और विक्रम साराभाई इस पे सेंटर के डायरेक्टर है एस सोमनाथ, और इनके हेडक्वार्टर जो है, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और विक्रम साराभाई इस पे सेंटर का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में। और एक पिना का नाम का गाइडेड वीपन सिस्टम, इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इंडिया ने, यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे उसका जो फोटो है, और इसको भी डेवलप किया है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। और गूगल ने अपना एक बोलो ऐप जो है लॉन्च किया है, जिसमें जो बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और अपने जो यूनियन होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब एंड साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेंटर सीपेड, इसको इनॉग्रेशन किया है। तो पूछ लेंगे कि सीपेड में जो है पी का प्लेटफॉर्म क्या है, तो बताना पड़ेगा प्रिवेंशन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है हेलिना, इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, और इसको टेस्ट किया गया चंदीपुर के, जो कि ओडिशा में है, और देख सकते हैं अपन यहाँ पे नीचे हेलिना, ये हेलीकॉप्टर नीचे लगाया जाता है, जिससे जो कि टैंक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इंडिया ने अपना अभी अभी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31, इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है फ्रेंच गुयाना से, जिसको लॉन्च किया था लो एक व्हीकल से जिसका नाम है Ariane 5 VA-247। और एक और बात की, जो अपना अब तक का हेवीस्ट सेटेलाइट है वो GSAT-11, और हेवीस्ट रॉकेट जो है अब तक का वो GSLV-MK-3। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया जो है अब 2021 तक, दिसंबर 2021 तक स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है, तो उसके लिए एक सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, और ये बेंगलुरु में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और जो गगनयान प्रोजेक्ट जो है अपना, उसको हेड करेंगे आर हेटन। और यूनेस्को ने जो है 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्रेडिक्टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स घोषित किया है,
जैसे कि पीरियोडिक टेबल को लगभग 150 साल हो चुके हैं इसलिए, और अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पब्लिश्ड बाय मेंडलिव, और इसरो ने जो एक वर्ल्ड का लाइटेस्ट सेटेलाइट कलाम सेट V2 इसको अभी भी लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है वो दोस्तों श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इस सेटेलाइट को बनाया है स्पेस किड्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्टूडेंट्स ने, ये देख सकते हैं आप नीचे। और ये जो सेटेलाइट है बहुत छोटा है, जो 10 सेंटीमीटर का क्यूब जैसा ही है, और इसका जो वेट है 1.2 kg का है, और इसको बनाने में जो कॉस्ट आया लगभग 12 लाख के आसपास आया है। और जो 106वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो हेल्ड हुआ जालंधर में, और इसकी थीम जो थी वो थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो 105वां जो हुआ था वो हुआ था इम्फाल में जो कि मणिपुर की कैपिटल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।